आगे फरुखाबाद के मॉडर्न पब्लिक स्कूल ईद के कार्यक्रम को लेकर तुगलकी फरमान जारी किया गया। स्कूल की ओर से छात्र छात्राओं को मुस्लिम लिबास पहनकर आने को कहा गया। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। टीम स्पेशल स्टाफ ने 8 सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल और 80 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस सिलसिले में एक अवैध आम सप्लायर पकड़ा गया। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नेपाल के सोनौली बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को टीम ने गिरफ्तार किया। खबरों के मुताबिक आरोपियों के तार हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस से जुड़े हैं। गुरुग्राम में साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 38 एटीएम कार्ड, 30 चेकबुक और पासबुक, 10 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 1 पासपोर्ट बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हथियार की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। गांव पांगरी से 2 पिस्टल लेकर आ रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ के बाद पचौरी में पिस्टल बनाने की अवैध फैक्ट्री का पता चला। छत्तीसगढ़ में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड 21 साल बाद बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। गुरुग्राम में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। डोनर समेत 3 विदेशी पकड़े गए। बांग्लादेश से लेकर रांची जयपुर तक इसके तार जुड़े थे। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर नगर पालिका के एएओ दीपक अग्रवाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इसने ठेकेदार विष्णु गुप्ता का बिल पास करने की एवज में 55,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी और पुरोहितों ने मंदिर की समस्याओं को लेकर कलेक्टर का अनूठे ढंग से घेराव किया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में 80 वर्षीय बुजुर्ग ने 34 साल की महिला से कोर्ट में शादी की। उन्होंने कोर्ट परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की।